बना बना मेरा मूड खराब हो गया है। यह भगवान पुलिस की नौकरी बहुत खराब होती है, ना तूने खाना खाने की फुर्सत रहती है, ना तो बातें करने की फुर्सत रहती है। अब मैं क्या करूं? रिहा बे तुमसे प्यार कितना, तुम्हें नहीं पता मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ। रिहा बे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, और मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार भारती देवी तुमने ये तूने क्या कर दिया? क्या आंखों में धूल झोंकती है तो भारती, और हाय तूने ये क्या कर दिया भारती तूने, और ये क्या कर दिया ऐसा करते हुए शर्म आजी नहीं, तेरा नौकर क्या और गुना है क्या मौत की जिसको तूने दी है। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं सभी ये झूठे खून मैंने नहीं किया है। क्या हाँ सभी सभी मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जो आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और खून मैंने सिराज का हाय किया है नहीं राज और किया है नहीं झूठाई जाम मुझे पे लगाओ नहीं कहा अपने गुनाह को छुपाने के लिए
तूने परम पिता परमात्मा को भी साथ में लेके? नहीं सर, ये गुण मैंने नहीं किया है। अखिल तुम्हें बताओ हमारे सिरा से कौन दुश्मनी थी जो मैं कत्ल कर दूंगी? इसी बात का तो मुझे अफसोस है। कौन सा वो तेरे बीच में राज था जो तेरा चपरासी बता देना चाहता तो तूने राज छुपाने के लिए उसे मार दिया हो? ऐसा भी तो हो सकता है। सभी तो अच्छा लगे ऐसे कीजिए। अच्छा लगे से कीजिए, सभी तेरा अधिकार है। डलवा दीजिए चैन में, ना मुझे इनकार है। तो बात इस वक्त मैं समझता सभी बात इस वक्त समझता सभी, क्योंकि कानून से इस वक्त मजबूर हूँ। न्याय दिलवाऊंगा और मैं तुझे भारती, मेरी बातों पे तू कर ले। समझता हूं कि एक खुद को मारने वाला इंसान दूसरे को नहीं मार सकता है, लेकिन इस वक्त मैं भारतीय देवी मजबूर हूं, क्योंकि वारदात मौके पर तुम पाई गई हो, तुम्हारे हाथ में खंजर, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं और ये वादा करता हूं इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर तुमने कत्ल किया है तो तुम्हें उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। अगर गुनाह नहीं किया है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हें बाइज्जत रिहा कराऊंगा। ये आज मैं क्या देख रही हूँ कि पति होकर एक पत्नी के हाथों में हथकड़ी पहन रही हो? मैं इस वक्त मजबूर हूँ। या भगवान, ऐसी कौन सी हमसे भूल हो गई है? सिपाहियों ले चलो थाने को। और हमसे क्या भूल हुई है जो ये सजा दिया है। किस मंजिल पे? जिसकी कोई रास्ता ही आगे नहीं रह गई। मैं ये जानता हूं कि खुद को जान देने वाला अपने आप को मारने वाला दूसरे का कत्ल नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि भरत ये चपरासी जो है इसका मर्डर हो गया हो और उसी वक्त भारती देवी का आना हुआ हो। जिस समय भारती देवी ने जिस हमसे खंजर खींचा उस वक्त मेरा आना हो गया हो। सच कहा, हो सकता है ना। लेकिन इसमें हकीकत कैसे किया जा सकता है? अरे साहब, मौके से तो भारतीय देवी मिली, तो हमने उसे तो गिरफ्तार किया है। वो गिरफ्तार किया है और लेकिन तुम लोग इस बात का पता लगाओगे क्या कि भारतीय देवी अपने कमरे से, अपने क्वार्टर से ऑफिस के लिए कितने बजे आई है? हाँ। और वो डॉक्टरी रिपोर्ट से, उस चपरासी के मर्डर से ये जाहिर हो जाएगा कि भारती देवी का पहले आना हुआ है या शिवराज का पहले आना कत्ल हुआ है। ठीक है, इस बात का तुम लोग पता लगाओ। ठीक ठीक, चलिए आप। क्या बताऊं, आज सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक हमारे बड़े भैया दफ्तर से घर वापस नहीं आए। आज जाकर के देखूंगा क्यों इतना समय कहां लगा दिए। अब वो आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे भाई? अब वो दुनिया में नहीं रहे। मतलब तुम्हारे भाई
शिवराज का खून हो गया। खून हो गया? हाँ। किसने खून कर दिया? अरे भारती देवी के दफ्तर में। भारती देवी के दफ्तर में? और इसी खून के इल्जाम में भारती देवी को इंस्पेक्टर पौन पकड़ के थाने ले। क्या था? हमारे बड़े भैया इस दुनिया में नहीं गए, भारती देवी ने हमारे बड़े भैया का खून कर दिया। ऐसा कौन सा गुनाह हमारे बड़े भैया ने कर दिया जो भारती देवी ने हमारे बड़े भैया का खून कर दिया? और इस पटर पर भारती देवी के हाथ में हथकड़ी डालकर थाने लगे। नहीं, आज मैं थाने जाऊंगा और भारती देवी से पूछूंगा कैसा कौन सा गुनाह हमारे बड़े भैया ने किया था जो तुमने हमारे बड़े भैया का दुनिया से नाम निशान। भारती देवी का एक एक बयान नोट किया कि नहीं नोट किया? बिल्कुल नोट किया सर। कि अपने क्वार्टर से कितने बजे ऑफिस के लिए निकली है? हाँ। और डॉक्टरी रिपोर्ट से ये मालूम हो जाएगा। हाँ। भारती कहाँ रुकी है, क्या किया है, रास्ते में किस कहाँ पे कितना टाइम लगा है, ये हर एक बात भारती का बयान एक एक नोट होना चाहिए। इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। काफिल कोई भी हो लेकिन वो बचेगा नहीं हमारे हाथों से। नहीं नहीं, कहाँ गया सिपाही? कौन सी बात? पवन साहब भारती के लिए क्या क्या नहीं किए? बहुत किया। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने भारती से शादी भी की, लेकिन भारती को ऐसा नहीं करना। नहीं, भारती गुनहगार नहीं है, भारती को उनको छोड़ देना चाहिए। देखो भाई, मर्जी उनकी है, क्या करते आगे हैं। तुम्हारा कहने का मतलब वो उनकी पत्नी है तो उन्हें छोड़ देने थे? देखो, जो सच्चा ईमानदार ऑफिसर होता है वो कानून के रास्ते में घर का कोई भी सदस्य हो। ऐसा क्या बात है? नहीं कुछ नहीं सर। नहीं कोई बात हो रही थी तुम दोनों की? वो भारती देवी को छोड़ने की बात। शट अप। ये त्रिपाठी कह रहे थे। ज्यादा हमदर्दी खाने की कोशिश किया तो समझ लो। नहीं हमने नहीं। भारती देवी छूटेगी लेकिन इस वक्त नहीं छोड़ सकती है, समझ गए कि नहीं? हमारा मूड बहुत ज्यादा अपसेट है। कुर्सी डालो। चलो डालो डालो। जाओ भारती देवी। दिला रहा हूं कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो किस तरीके से मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें रिहा करवाऊंगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ऐसा करो, हम भारती देवी का चालान भेजेंगे, ठीक है? कल। जी हाँ, जाकर बंद करो। आओ, आवाज है साहब। मैं तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था दिल से। साहब आपसे
यही आपसे यही इंतजार है, मेरे भाई का कौन का दिल कहाँ है मैं बता लगाऊंगा, लेकिन वारदात मौके पर तो मैंने गिरफ्तार किया है, लेकिन भारती देवी कातिल नहीं है। आपको इंसाफ दिलाऊं, आपसे वादा करता हूं मैं, लेकिन भारती देवी ने तुम्हारे भाई का कत्ल नहीं किया है। नहीं साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या? हाँ, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? नहीं, आप झूठ बोले। ऐसा तो नहीं है कि भारती देवी आपकी प्रेम का है और तुम उससे बेहद प्यार करते हो, ये राज मुझसे छिपाना चाहते हो। अच्छा साहब, तो बेवजह और तुम मुझसे शक कर रहे, बेवजह तुम मुझ पर और अजय शक कर रहे, भारती ने ये खून है नहीं किया, जो हकीकत है और मैं बयां कर रहा, खून भारती ने है नहीं। राज छुपा रहे हैं क्योंकि एक दोषी को आप निर्दोष साबित करना चाहते हैं, भारती को आप फंसाना नहीं चाहते क्योंकि वो तुम उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। आखिर आप बात को मेरी समझते क्यों नहीं है? हम आपकी बात समझते हैं। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, खून कहाँ हुआ? खून ऑफिस में हुआ है, दफ्तर में हुआ। जी हाँ। वारदात मौके पर कौन पकड़ा गया? भारती देवी को मैंने गिरफ्तार किया है। जब वारदात मौके पर भारती देवी पकड़ी गई, फिर भी आप कहते हैं कि कातिल भारती देवी? हाँ, नहीं हो सकती है, हो सकता है। आखिर भारती देवी कत्ल उसका क्यों करेगी? मानते नहीं, क्यों कर देगी भाई उसका कत्ल? हम आपकी बात मानते हैं, भारती देवी ने खून नहीं किया है, क्योंकि खून तुम्हारे भाई का भारती देवी के आने से पहले ऑफिस में हो चुका है। भारती देवी ने जब घायल देखा तो खंजर जो ही खींचा, उसी वक्त मेरा वहां पर पहुंचना हो गया। तो क्या आप उस वारदात मौके पर थे जो आपने नहीं देखा कि भारती देवी के हाथ में खंजर था और खून करते हुए आपने नहीं? खून करते हुए हमने नहीं देखा है, भारती के हाथ में खंजर और सामने पड़ी लाश। चलो, हम आपकी बात मानते हैं कि भारती देवी हमारे भैया का खून नहीं किया। साहब, हम आपको 24 घंटे की मोहलत देते हैं। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे के अंदर असली कातिल को अगर आप गिरफ्तार नहीं किए तो आपकी एक बहन है। हाँ, मेरी बहन सुमन है। सुमन है? हाँ। सुमन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम जानते हो? हाँ,
अगर 24 घंटे के अंदर हमारे भाई के कातिल नहीं गिरफ्तार हुए तो तुम्हारी बहन सुमन का वो हाल बना दूंगा कि आप उसका चेहरा पहचाने से हराम जादे मेरी बहन से और कैसे क्या लेना देना है हराम जादे को इसको अंदर डालो उसका पीछा करो मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए चलता हूं जमी तो जमी थरथराती है चलता हूं जमी तो जमी थरथराती है हवा का रुख बदल जाता दरिया धर्म का काटा बना पलरा बना ईमान का धर्म का काटा बना पलरा बना ईमान का घर घर में डंका बजता है सूरज बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो रास्ता वही चलूंगा तेरा जीऊंगा शान से बगावत किसी ने किया तो मार दूंगा कहो मेरे दोस्त मां भवानी अभी तक पहाड़ी नहीं आया काफी समय हुआ लेकिन पहाड़िया कहां रह गया आने दो मारो जमीन पे ला तो मुसवा निकाल लूं शेर गुर्राए तो मोछे क्या बता रहे हो शेर गुर्राए तो सोहराओ मेरे नाम का राजा तो है सोहरा है सोहरा है मेरे नाम का सोहरा हम कहीं सोहराओ या नहीं ठीक ये कहा हटाओ अरे पढ़ दू कांच इस गढ़िया दरिया की ये भी अच्छी नहीं है यहाँ नहीं ठीक ये कहा हटाओ पहले तो पलटी है अब ठीक हो गए रोटी दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले की माँ की खाने पीने से कौन रोक रहा है सरदार जी की माँ भी चुप कहा जाता है सरदार जी जय माँ भवानी साथियों कौन मेरे एक बात की खबर मैं जानना चाहता हूँ कौन सी खबर दोस्त मन को भर में मेरे दोस्त मन को भर में मेरे तुम तो पढ़ कर तो ही नमस्कार है क्या खबर लाए हो कहो आपकी बात पर बताऊंगा मेरे यार तो और गिरफ्तार के चारों तरफ पुलिस वाला लगकर बनाया है मुर्दा गिरफ्तार और अब पुलिस वाले लोग कुछ कर सकते मेरा काम है सामने से मेरे बच्चा दोस्त बल्लो पूरा के सदावार के और जब तक
गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक कहते हैं। सुनो और हमारे और ये इसको पता डाला था कल का लूटो हमाल माल किसके पास है? हमारे पास है। उसमें कितनी नगद रकम और कितनी जरात आई हुई है? कल का लूटा हुआ माल 50,000 रुपए नगद है और 20 किलो जेवरात है। उसमें कितना सोना है और कितनी चांदी है? उसमें 10 किलो सोना है, 5 किलो चांदी है। चांदी बहुत कमाई है, सोना काफी आया है। अबे सोना होगा, सोना 10 ग्राम, 10 ग्राम सोना करूं, 10 किलो बता रहे हो? तो ऐसा ही हुई। ताले के बनिए की दुकान लूटा था क्या? तो ऐसा ही हुई। पहाड़ी तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ। हमारा पेशा है अमीरों को लूट करके और गरीबों में बांट देना, इसलिए इन पैसों का तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? मेरी बात जरा गौर करके सुनो। फरमाइए। तब चलो और पता बोलो पारू तब या पता बोलो पारू तब कर जो धना या अभीरो बहन का खर्चा जितना और है सब लीजिए शेष धन बांट दो है। का खर्चा निकाल करके और शेष पैसा जो बचता है वो गरीब और यतीम ब्याह में बांट दिया जाए। ब्याह में? हाँ। कितने लोग बेवा उठ के खड़े हो पैसा ले? चुप। अरे कहीं पुरुष बेवा होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? कैसे? जब औरत का आदमी मर जाता है औरत हो जाती है विधवा, और जब आदमी की औरत मर जाती है आदमी हो जाते हैं बेवा, जैसे हम घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा और अभी जो भी क्या करना था पहले क्या करना है? एक विधवा तेरे पीछे पड़ी हुई है, 500 का तूने विधवा के तो झाट पे लगाई लगाए तो दिन। हमारे गैंग में इस समय कुछ मसाले की कमी है, हाँ। तुम एक काम करो, अभी खैराबाद दिलजरा मनिहार के पास जाओ और कह देना सरदार भवानी सिंह ने 2 बोरा कारतूस और 2 बोरा हथगोले मंगवाए है और 1 बोरा धुआं वाला, हाँ, जिसमें पुलिस हमारा पता ना लगा सके। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? वो जो पीली पहाड़ी है उसी पे हम तेरा इंतजार करेंगे, वही पे हमारा इंतजार करना। चलता हूँ, जय मां। साथियों, जब तक पहाड़ी मसाला लेकर नहीं आता है चलो हम कहीं डकैती का प्लान नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं और तो दिल की जिद की है और हर चार कुछ